चढ़ल बा हमरा के प्यार के बुखार, चढ़ल बा हमरा के प्यार के बुखार। मैं सबसे पहले नमस्ते बोलना चाहूँगी अपने भोजपुरी दर्शकों को, और आज मैं और आकाश जी यहाँ पे जाने सरफरोश 786-786 के मूरत पे आए हैं, जिसके हीरो और हीरोइन हम दोनों ही है, आकाश जी और इनुश्री जी। और ये फिल्म की स्टोरी आप जैसा देख रहे हैं कि सरफरोशी के ऊपर ही होगा, जब टाइटल ही इतना अच्छा है जाने सरफरोश तो। और बहुत ही एक्शन है, एक्शन बहुत अच्छा है, डांस है, मस्ती है। और फिल्म की स्टोरी के बारे में ज़्यादा मैं नहीं बताना चाहूँगी अभी, मैं बताऊँगी जब शेड्यूल लगेगा और जब आप लोग वापस से आएंगे मिलने के लिए, उस दिन हम लोग बताएंगे कि क्या है स्टोरी ऑन सेट। जाने सरफरोश 786 एक मनोरंजक से भरी हुई फिल्म है। 786 लकी नंबर है तो हमारे ऊपर वो लक आ जाए। जान यानी कि लव, जिससे आप प्यार करते हैं, सरफरोश जो सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो, प्यार है, रोमांस है, एक्शन होगा, जाहिर सी बात। बस सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखिए, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। राज जी के साथ मेरी पहली मूवी है तो हम लोग एक नया टीम के साथ, एक नए मूवी के साथ, एक प्यार बढ़ाते हुए और मस्ती करते हैं। अच्छा, ऑडियंस को भी हमारी जोड़ी पसंद आए और फिल्म सुपर डुपर हिट हो, अच्छा हो। और आदा जी बहुत सारी फिल्म डायरेक्ट कर चुके हैं और उनकी सारी फिल्में हिट गई हैं। नहीं, ये हिंदुस्तान के सरकार की एक चाल है कि भोजपुरी इतनी पाकिस्तान के खिलाफ बनाओ कि पाकिस्तान बोले कि फिल्म मत बनाओ, मैं आतंकवादी नहीं भेजूंगा। तो यही है, एक है पाकिस्तान, एक ऐसा मर्म है जो हर भारतीय के अंदर है, जो हमेशा त्रस्त रहा है अगर हिंदुस्तान तो पाकिस्तान से ज़्यादा रहा है, क्योंकि वो हमेशा कायरता का ही अपना परिचय देते रहे हैं, तो कायरता से सब लोग डरते हैं। तो वही है, पाकिस्तान के खिलाफ फिल्म नहीं बन रही है, कहानी होती जिसमें पाकिस्तान आ जाता है, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुद्दा हो गया है कि घूमते फिरते उधर आ ही जाता है। ये फिल्म बनाया इन्होंने, देशभक्ति है कि नहीं है ये तो अभी नहीं जानता हूँ मैं, क्योंकि आदर्श जी एक बड़े अच्छे मेकर हैं, उन्होंने इस इंडस्ट्री में बड़ा वक्त दिया है, चाहे हिंदी इंडस्ट्री हो चाहे भोजपुरी इंडस्ट्री हो, बड़े उम्दा समझदार सुलझे हुए निर्देशक हैं और निर्माता भी हैं, तो बनाएंगे तो कुछ अच्छा ही बनाएंगे। इसके पहले भी उन्होंने जो बनाया था पवन पुरवैया, बड़ी हिट फिल्म थी। पूरी टीम को कांग्रेस कहना चाहूँगी, और आप देख ही रहे हो थोड़ा सा बहुत ही डिफरेंट नाम है ये, जान ये सरफरोश 786 थोड़ा अलग सा है, हटके, पहली बार ऐसा नाम मैंने देखा है, सुना है, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ा हटके है। मेरा किरदार एक नटखटी लड़की है जो ज़रूरत पड़े तो पिस्तौल भी उठा सकती है और मार भी सकती है किसी को, मतलब धाकड़ भी है और एक चंचल सी लड़की है, और बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है, बहुत ही डिफरेंट है। आशुतोष खरे का बहुत प्यार भरा नमस्कार। आज जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये फिल्म जाने सरफरोश 786 इसका मुहूर्त है, इसका शुभ मुहूर्त है। इसके निर्देशक श्री आदर्श जैन जी, जिन्होंने पहले बतासा चाचा, पवन पुरवैया जैसी काफ़ी सुपरहिट फिल्में बनाई हैं, वो इस फिल्म के निर्देशक हैं। आज गाने की रिकॉर्डिंग के साथ इस फिल्म का मुहूर्त मुंबई में किया जा रहा है, और मुझे बहुत खुशी है कि इस फिल्म में खलनायक की भूमिका में एक बार फिर मैं दर्शक आप लोगों के सामने आऊँगा। आदर जी मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, उन्होंने पिक्चर का जो मुहूर्त किया है, मेरी मुहूर्त किया, उनकी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएँ। मेरे को उम्मीद है वो बहुत अच्छी पिक्चर बनाएंगे, और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएँ, और ऐसी हमारी दोस्ती बनी रहे। हम तीनों दोस्त मिलकर ये फिल्म बना रहे हैं, अनवर जी, प्रदीप जी और मैं, और हम लोग की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। फिल्म का टाइटल तो आपने देखा ही, जाने सरफरोश 786, तो इसमें एंटरटेनमेंट भी है और कुछ
ऑडियंस के लिए नया भी है, जो देशभक्ति से ओतप्रोत होगा, और भोजपुरी में अच्छी फिल्में बननी चाहिए, और हम सब तीनों का यही प्रयास है कि हम लोग अच्छी फिल्में ही दें साथ साथ। इसमें आकाश सिंह हैं, अर्चना सिंह हैं और अनुश्री है, अवधेश मिश्रा जी हैं, मनोज टाइगर हैं, एक और हीरो हैं सोनू साजन हैं, राज चौहान हैं, काफ़ी लोग हैं, बड़े बड़े 20-25 आर्टिस्ट हैं। आदर्श जी मेरे बहुत पुराने दोस्तों में से है, हिंदी में से, मुझे उम्मीद है कि वो अच्छी पिक्चर बनाएंगे और मेरा शुभकामना है उनके लिए। एक लकी नंबर होता है 786, तो लकी चैम ये भी हैं आदर्श जैन जी। Planet Bhojpuri.